हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि यूजीसी की तरफ से आया है, जिसको रिलेटेड है फैकल्टी पोजिशन इन यूनिवर्सिटीज से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को देखा नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे चैनल का जो नाम वो दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब्स ट्रेलर है। जैसे आप इसे यूट्यूब पर जो है वो सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का मेरे चैनल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर या आपके साइंटिस्ट पोजीशन या एमएससी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो अपलोड करता रहता हूँ रेगुलरली। इसके अलावा अगर आप सीएसआई जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप मेरे जो बायोलॉजी कंटेंट हैं उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कंटेंट को भी यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जो है जॉब से रिलेटेड और बायोलॉजी कंटेंट से रिलेटेड किसी वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो चलिए वापस आते हैं उस नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है टाइटल देख सकते हैं, प्रपोजल मेकिंग पीएचडी मस्ट फॉर फ्रेश यूनिवर्सिटी टीचर्स पुट ऑफ साइटिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि 2018 में जो एक रूल आया था, या हम बोल सकते हैं यूजीसी ने जो अपना गाइडलाइन निकाला था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप किसी कॉलेज में आप जो है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एमएससी प्लस नेट जो है वो कंपलसरी था। लेकिन अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए जो पीएचडी है वो मैंडेटरी कर दी गई थी 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई 2021 से जो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन आप जो है फैकल्टी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके पास पीएचडी जो है वो कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है और आपके पास नेट नहीं है, तब भी आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन एक ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जो कि 29 अगस्त को रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने डायरेक्टली क्लियरली मेंशन कर रखा है, एज ऑफ नाउ फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन यूनिवर्सिटीज पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी एंड वन कैन गेट रिक्रूटेड इन सेवरल यूनिवर्सिटीज आफ्टर अ मास्टर डिग्री एंड क्लियरिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला या ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने अभी भी जो पुराना रूल था एमएससी प्लस नेट को ही यहाँ पे जो है बेसिक क्राइटेरिया माना है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका पीएचडी नहीं है तब भी आप जो है इस लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जो है अपना एमएससी प्लस नेट की बेस पे जो है आप अपना जो है फैकल्टी रिक्रूटमेंट यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी रूल जो भी था 1 जुलाई 2021 से कि आपका पीएचडी होना मैंडेटरी है, तो उसे इन्होंने साइटिंग ऑफ कर दिया, यानी उसे पुट ऑफ कर दिया है। और इन्होंने रेफरेंस क्या दिया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो है इन्होंने इस रूल को अभी लागू नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पे अभी पीएचडी वाला रूल लागू नहीं हुआ है कि आपका पीएचडी होना चाहिए तभी आप जो है स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हम इसके पॉइंट्स देख सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने मेंशन करा द हायर एजुकेशन रेगुलेटर हैज डिसाइडेड टू पुश बैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस रिलीज 3 ईयर्स अगो विच प्रपोज मेकिंग पीएचडी मैंडेटरी फॉर फ्रेश यूनिवर्सिटी टीचर्स इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, मैंने आपके तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 3 ईयर्स बैक जो है यूजीसी का रूल आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जो है लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे पीएचडी जो है मैंडेटरी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इस जो भी ये गाइडलाइंस इसे इन्होंने पुश ऑफ कर दिया या पुश बैक कर दिया है, इसे हटा दिया है गया। और इन्होंने साइड किया क्या कि कोविड की वजह से जो है हम इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका पास एमएससी या नेट है जो कि बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी कॉलेज या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसको यहाँ पे आप जो है फॉलो करके आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड मेजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन प्रपोज बाय द यूजीसी वाज सेट टू बी नोटिफाइड फ्रॉम द करेंट एकेडमिक सेशन बट दिस हैज बीन डिफर्ड इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए, इन्होंने जो पीएचडी मैंडेटरी था स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसे इन्होंने जो है अब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसे
लाइक इसे इन्होंने पुशबैक कर लिया है, और इन्होंने बोला है जो रीजन दिया है वो दिया है COVID-19 पेंडेमिक की वजह से जो है ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि PhD जो है वो कंपलसरी नहीं है अभी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस रूल इस जो गाइडलाइंस को अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इसे जो है इन्होंने पुशबैक कर लिया है, ठीक है। इसका इन्होंने मैसेज किया, UGC ऑफिसर्स से डेट दे हैव बीन रिसीविंग रिप्रेजेंटेशन फॉर सेवरल मंथ अगेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉर्म दैट सेड मास्टर डिग्री विद नेट विल नॉट बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो देखिए इन्होंने UGC बोल रहा है कि इन्होंने जो है बहुत से रिप्रेजेंटेशन जो है लाइक बहुत ही महीनों से ये जो है इन्हें मिल रहे हैं, जिसमें इन्होंने किया क्या किया कि अगर मास्टर डिग्री और नेट आपके पास है तो ये जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, ठीक है। तो इसी को इन्होंने जो है लाइक अभी तक इसीलिए COVID-19 की वजह से इन्होंने क्या किया जो अपना जो भी PhD जो भी मैंडेटरी था स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसे उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एज ऑफ नाउ फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी PhD नॉट मैंडेटरी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंसन कर लिए कर रखा है कि एज ऑफ नाउ, यानी कि इन्होंने कहा है कि आप जो है एज ऑफ नाउ ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक का इन्होंने जो है वो एक्सक्यूज दिया कि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से जो है ये PhD कंपलसरी वाला जो लाइक गाइडलाइन है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अभी आप MSc और नेट की बेस पे भी आप अब जो है स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका मास्टर डिग्री प्लस नेट जो है वो कंपलसरी अभी भी है किसी भी कॉलेज या स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का। तो देखिए यहाँ पे PhD नॉट मैंडेटरी इन्होंने डायरेक्टली क्लियरली कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने बोला है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गिव अ ट्रस्ट ऑन रिसर्च कल्चर द प्रपोज नॉर्म्स आर क्रूशियल बट देर इज एन अनसर्टेनिटी ऑन व्हेन वी कैन नोटिफाई देम सेड एन UGC ऑफिशियल कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंसेस इट लुक्स लाइक वी विल हैव टू डिफर इट फॉर अ ईयर और टू थ्रू द मैटर इज अंडर डिस्कशन एट द कमीशन ही एडेड। तो देखिए ये जो रूल है आपका MSc नेट वाला जो अभी इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है, तो इन्होंने बोला है कि अभी मे बी 1 ईयर या 2 ईयर तक जो है आपका जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आपका MSc और नेट की बेस पे ही आपका जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये मे बी आपका 2022 तक रहे या मे बी 2023 तक भी जो है इसे इंक्रीज किया जाता है, और उसके बाद ही अगर कोई कमीशन जो है कोई लाइक डिसीजन लेगी कि आपको PhD कब इम्प्लीमेंट करना है कब से मैंडेटरी करना है, तो मे बी आपको 1 और 2 ईयर का भी टाइम दिया गया है कि आप अपना MSc और नेट की बेस पे जो है आप किसी भी कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मे बी आफ्टर 2023 जो है ये डिसीजन लिया जाएगा UGC के थ्रू कि आप जो है आफ्टर 2023 आप जो है PhD मैंडेटरी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसके अलावा द नॉर्म्स प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री सेड दैट टू इनकरेज द रिटर्न ऑफ द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हु मेड अ मार्क इन फॉरेन यूनिवर्सिटी अ स्पेशल प्रोविजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस फॉर PhD डिग्री होल्डर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग विल बी मेड। तो देखिए इन्होंने ये बोला है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना PhD जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से करते हैं, ठीक है। तो UGC का ये मानना है कि जो भी बेस्ट ऑफ ब्रेन्स यानी कि जो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं उन्हें हम दूसरे देश में क्यों उनको सर्व करने दें, तो इससे बेटर है कि हम उन्हें क्या करेंगे अपने देश में वापस बुला के जो है यहाँ पे हम उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजिशन देंगे। तो इसके लिए इन्होंने स्पेशल प्रोविजन निकाला है जिसमें अगर आपने PhD जो है टॉप 500 रैंकिंग की यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है, यानी ग्लोबली रैंकिंग जो है अगर उसकी टॉप 500 में आती है जैसे AIWU हो गया है उस रैंकिंग में अगर आपका आता है 500 टॉप 500 में यूनिवर्सिटी में, तो आपको यहाँ पे नेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्टली जो है चाहे कॉलेज में अप्लाई करिए चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में या लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि आपने जहाँ से PhD जिस फॉरेन लाइक यूनिवर्सिटी से किया है तो वहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 रैंकिंग में आनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन आपको दिया जाएगा और आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट क्लियरिंग नेट। ओके, एज इट प्रपोज दैट टीचर विल ऑल्सो अंडरगो मैंडेटरी मंथ लॉन्ग इंडक्शन प्रोग्राम बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो देखिए यहाँ पे क्या अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो है लाइक सब इंडक्शन प्रोग्राम भी आपको जो है वो लाइक करने पड़ेंगे, चाहे वो मंथ्स के भी हो सकते हैं या आप अगर उसे एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। तो ये एक टाइप की ट्रेनिंग होगी आपकी बिफोर टीचिंग,
ठीक है, यानी बिफोर टीचिंग या बिफोर रिसर्च वर्क जो है, आप जो है आपको मैंडेटरी जो टीचिंग लाइक लॉन्ग इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको जो स्टूडेंट्स को जो है मिनिमम वो 2 आवर्स जो है मेंटरशिप आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। इसके अलावा इन द गाइडलाइन द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो डन अवे विद द कॉन्ट्रोवर्सियल एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड अप्रेजल एंड इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड टीचर इवेल्युएशन ग्रेडिंग सिस्टम। इट हैज़ बीन एडेड एकेडमिक और रिसर्च स्कोर फॉर यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव रिसर्च आउटपुट। तो देखिए, जितने भी जो सिलेक्शन होता है पॉइंट लाइक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो मेनली रहता है कुछ जगह पे क्या होता है कि आपका जो है एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो है आपका लाइक शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इन सब के मार्क्स की बेस पे जो है आपको सिलेक्शन किया जाता है। कुछ जगह क्या होता है इंट्रेंस एग्जाम होता है, और इंट्रेंस एग्जाम के में आपके जो मार्क्स आए उसको और आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स आए उसको, तो उन दोनों को मिला के जो मेरिट प्रिपेयर की जाती है उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। तो दो बेस पे, एक आपका एंट्रेंस एग्जाम और आपका इंटरव्यू के बेस पे जो सिलेक्शन होता है लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके अलावा दूसरा जो मोड है वो आपका एपीआई इंडेक्स के बेस पे, यानी कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के मार्क्स को आपका एपीआई इंडेक्स मार्क्स मार्क्स के साथ ऐड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो मेरिट प्रिपेयर होती है तो उसकी बेस पे जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। तो ये नॉर्मल जो है ये लाइक प्रोसीजर है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप कोई इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है बस गूगल में सर्च कर सकते हैं आप कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर यूनिवर्सिटी, पीएचडी नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, से आप गूगल पे डालेंगे तो आपको ना न्यू द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का जो है ये पेपर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके थ्रू जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आई थिंक इन्होंने डेट क्लियरली मैंसन नहीं कर रखी कि कब आया है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जो वो 13 अगस्त को पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये 13 अगस्त को जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, और लास्ट अपडेटेड भी 13 अगस्त है। ठीक है, तो आप जो है 13 अगस्त का जो न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, और जो है आप इस लाइक न्यूज़ को टोटली अच्छे से आप भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।